परंपरा का मैसेज नष्ट कैसे होता है? काल से, डाउट से नष्ट होता है। डाउट आते हैं और सॉल्व नहीं होते बस, फिर उसके बाद आदमी सोच साच के कुछ और बना देता है, या तो प्रोसेस छोड़ देगा या तो प्योरिटी खत्म हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। यानी बुक्स तो रहेंगी, प्रॉब्लम तो लोगों में आती है ना, लोग खत्म होते हैं ना, बुक्स तो रहती हैं, बुक्स आउट ऑफ प्रिंट नहीं जाती, बुक्स रहती हैं, पढ़ी रहती हैं, लोग खत्म हो जाते हैं। और लोग खत्म कैसे होते हैं? संशय से, डाउट, छिद्यन्ते सर्व संशय। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि आग, दुश्मन, सांप और संशय, उसको इमीडिएटली मार देना चाहिए, वरना आपको मार देंगे। ऐसे पांचवी एक और चीज है, लोन। अगर हमने लोन नहीं खत्म किया तो मर जाओगे, आपकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। पांच चीजें शुक्राचार्य कह रहे हैं, संशय इमीडिएटली सॉल्व करो, क्योंकि बढ़ते 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 वो कहीं और गाड़ी पहुंच जाती है, आप सोच सोच के पता नहीं थ्योरी बना दोगे माइंड में। सो सॉल्व करो। और इसीलिए डिवोटीज की एसोसिएशन है कि भी कोई डाउट आया क्लियर कर लिया। आप खुद से रिसर्च करने लगोगे तो फिर पता नहीं कौन सी थ्योरी निकाल लो संशय को सॉल्व करने के लिए, ये भी होता है ना, चीज़ें तो हैं ही, या थ्योरी नहीं निकलेगी तो परेशान होते रहोगे, तो इतने सारे संशय आ जाएंगे, फेथ खत्म हो जाएगा फिर फिलॉसफी पे कि यार तो आंसर जी नहीं आ। तो दूसरा पॉइंट है कि परंपरा नष्ट कैसे होती है? परंपरा नष्ट होती है इम्प्योरिटी से, अनर्थों से नहीं, करप्शन, काम, क्रोध, कोई डिजायर्स आ गए उसको, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की, पैसे की, तो आदमी करप्ट हो जाता है, फिर मैसेज खत्म हो जाता है। तो कृष्ण ये भी कह रहे हैं परंतपा कि तुम अपने हृदय में अनर्थों को नष्ट करो, वरना इस मैसेज को रख नहीं पाओगे। जिस हृदय में संशय होते हैं वो हृदय कमज़ोर हो जाता है, जिस हृदय में अनर्थ होते हैं वो कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर हृदय जो ज्ञान है उसको रख नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि शेरनी का दूध रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए होता है, अब किसी और पात्र में रखोगे छेक हो जाएगा, क्योंकि बहुत एसिडिक होता है दूध, आप थोड़ी देर पड़ा रहेगा ना छेक हो जाएगा दूध ही ऐसा होता है। तो वही कह रहे हैं कि अर्जुन को, अर्जुन तुम परंतप हो, तुम अपने साहस से अपना हृदय योग्य बनाओ कि ये मैसेज को ले पाओ। तो इसलिए परंपरा को बचाने का की जिम्मेदारी किस पे है मुझे बताओ, किस पे आ गई फिर? हाँ, हम पे आ गई एक्चुअली। और हम पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, तो हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम नहीं होंगे तो परंपरा नहीं होगी, लोग मतलब, ऑफ कोर्स, यानी कि मैं नहीं होगा तो दैट्स नॉट द पॉइंट। और इसीलिए शिल प्रभुपाद ने बार बार बोला है कि मुझे एक चंद्रमा चाहिए, हजार तारे कोई फायदा नहीं है, हजार लोगों जिनको मैसेज क्लियर नहीं है उसका फायदा ही क्या, फिर क्या होगा, एक आदमी जिसको क्लियर है वो उठा देगा। अब गौड़िया मठ में कितने सारे लोग थे बट प्रभुपाद जी को क्लियर था, ऑफकोर्स भक्ति शिक्षित महाराज, केशव प्रज्ञ महाराज, ये भी थे क्लियरिटी, बट श्री प्रभुपाद को क्लियर था और अप्लाई भी किया था, रियलाइजेशन भी थी, एक आदमी ने कर दिया। तभी तो शास्त्रों में लिखा है कि एक प्योर डिवोटी पूरे संसार को उतार सकता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके हृदय में मैसेज है। तो वैसे पता है कभी भी कुछ भी हो जाए, मतलब ज़मीन आसमान हो जाए, ज़मीन आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मैसेज मत चेंज होने देना कभी। और प्रभुपाद उसी में बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आता था जब कोई, एक्चुअली एक डिवोटी ने पूछा था मॉर्निंग वॉक में, ऐसी डिवोटी ने पूछ लिया कि प्रभुपाद जी बहुत लोग ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, ये जो भी पूछ रहा था फॉरनर था, तो प्रभुपाद ने मुड़ के बोला, उसने बोला बहुत लोग ऐसा पूछते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा तुम क्यों पूछ रहे हो तो उसने कहा नहीं प्रभुपाद बहुत पूछ रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा मैं तुम क्यों पूछ रहे हो, तो प्रभुपाद को नजर आ गया कि इसमें भी डाउट है, ये कह रहे हैं बहुत लोग, तो फिर तू क्यों पूछ रहे हैं आत्मा परमात्मा एक है। प्रभुपाद उसके पीछे पड़ गए, प्रभुपाद ने आंसर नहीं दिया। तो प्रभुपाद ने एक्चुअली बिना आंसर दिए भी आंसर दे दिया कि भाई ये सारी चीज़ें बहुत डेंजरस थॉट्स हैं, और अगर तुम एंटरटेन करोगे इनको, क्लियर क्लैरिटी नहीं होगी तुम्हारे माइंड में, तो
तुम तो गए तो परंपरा भी गए, इसलिए हमारा फॉल डाउन मतलब परंपरा का फॉल डाउन।